नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के तनुको मंडल के दुआ गांव में स्थित वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में रामनवमी के उत्सव के दौरान आग लग गई। बताया जा रहा है कि मंदिर में रामनवमी के उत्सव के लिए लगाए गए पंडाल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगते ही श्रद्धालुओं को पंडाल से बाहर निकाला गया। अभी तक इस हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की जानकारी नहीं है। आग की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया है। मंदिर के आसपास के रास्तों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। एसपी रवि प्रकाश ने बताया कि पश्चिमी गोदावरी के वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में ये आग लगभग 11:45 पर लगी। आग लगते ही लोगों को मंदिर परिसर से तुरंत बाहर निकाल दिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं पंडाल मंदिर परिसर में लगा था, जिसकी वजह से मंदिर की संपत्ति को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।